गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंट एजुकेशन की चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गुजराती में द्विघात समीकरण, हिंदी गुजराती और इंग्लिश तीनों मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आपको अच्छा रहेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ये रूल है, मतलब अभी जो हम करेंगे सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको किसी का भी रूट तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रूट मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, या रूट मतलब उसका सॉल्यूशन तो आपको आसानी से मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो नंबर 12 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 14 है, उसमें क्या दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले बनाना पड़ेगा। मेन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि उसी को यही प्रॉब्लम होगा कि उसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रखा जाए। अगर क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको रख देते हो तो आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो ये क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसानी से आपको रूट तो प्राप्त दे देगा, ठीक है ना। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेरे वीडियो का लाभ मिल सके, और कमेंट कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको सुझाव देना चाहते तो मैं अगर आप कमेंट्स देंगे तो मैं अपने वीडियो को और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दिया है, उसमें आपको दो क्वेश्चन दिए। यहाँ पे मैं वीडियो नंबर 12 में मैं पहला करवाऊंगा और वीडियो नंबर 13 में मैं दूसरा इक्वेशन करवाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री। यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज दी हुई होती है, तो वो हमेशा दी हुई होती है, मैं बिना यहाँ पे देखे भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल है वह वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में दिया ही जाता है, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, उसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी, तो वो इन्फिनिट का हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए बताना पड़ेगा कि एफ की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो के अलावा और कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन कंपल्सरी क्वेश्चन लिखने वालों को देनी पड़ती है, अगर नहीं देते हैं तो मतलब मिस्टेक हो जाएगी, मैथमेटिकली मिस्टेक हो जाएगी, आपको भले समझ पड़े ना पड़े लेकिन मैथमेटिकली वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसका कोई काम नहीं है इसलिए छोड़ देता हूँ मैं उसको। यहाँ पे हमें जो दिया है, हमको पता है कि हमें क्या करना है, हमारा जो स्टैंडर्ड रूल है वही करना है। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी दिया होता है हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर है एक्स, तो एक्स रहेगा, और वही एक्स का हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इक्वल टू के दोनों साइड हमें सेम चीज करनी होती है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड एंड इक्वल टू के राइट साइड हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स, ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल टू के राइट साइड है उसको भी हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, तो x जो यहाँ पे दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे वन अपॉन x इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3x। अभी यही सिस्टम से हम कोई भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, छोटा सा है, आसान सा है, इसलिए आपको ज्यादा इसमें देर नहीं लगेगी। अभी इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो एक्स स्क्वायर यहीं पे लेके आता हूँ, बना देता हूँ अलग स्टेप, माइनस थ्री एक्स इक्वल टू उधर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो जीरो लिख सकते हैं हम। अभी इस इक्वेशन को हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अभी हमें क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री है, एंड सी इज इक्वल टू अगेन वन है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करना है, ताकि हमें वो रूट जो हमें मिलने वाला है उसका नेचर पता चल जाए, तो नेगेटिव थ्री का स्क्वायर करेंगे, बाद में फोर एक वन एंड सी जो है वो भी वन है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर इंटू वन इंटू वन फोर, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया फाइव। अभी मैं उसका रूट भी कर लेता हूँ, तो रूट हो जाएगा मेरा रूट फाइव, और ये जो है हमारा रेशनल नंबर है, डी जो है रूट डी हमारा रेशनल नंबर मिल रहा है,
सॉरी इरेशनल नंबर मिल रहा है, और इरेशनल नंबर मिल रहा है तो हमारा जो रूट्स मिलेगा, फाइनल रूट मिलेगा एक्स, वो एक्स का वैल्यू भी हमें इरेशनल ही मिलेगा, वो हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं है, क्योंकि वो जीरो से बड़ा है तो हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, वो भी आपको पता है, दोनों अलग अलग भिन्न मिलेंगे, तो वो जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, माइनस भी प्लस और माइनस रूट में पूरा लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जैसे आपके बुक में दिया है, या तो उसी की वैल्यू डी भी लिख सकते हैं, रूट डी भी लिख सकते हैं अपॉन टू ए माइनस जो बी का है, और बी की ऑलरेडी वैल्यू भी माइनस में तो इंटू ब्रैकेट लिखेंगे हम, प्लस और माइनस रूट में पूरा लिखें या फिर उसका डायरेक्ट आंसर लिखें फाइव, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं फाइव लिख देता हूँ अपॉन टू ए, ए मेरे पास है वन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव थ्री प्लस और माइनस रूट फाइव अपॉन टू वन जैट टू, तो ये हमारा हो गया आंसर, लेकिन इसको दोनों को अलग अलग डिस्टिंक्ट बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो हमारा आंसर हो जाएंगे एक्स इज इक्वल टू, एक बार यहाँ पे माइनस बताना है एक बार यहाँ पे प्लस बताना है, थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव अपॉन टू, तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए, दोनों रूट्स मिल गए।